गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमयू क्लास के कला टेस्ट सीरीज के रात के 8 बजे के आज के इस वीडियो में। तो मित्रों, डेली कुछ ना कुछ बेहतरीन प्रश्नों की सीरीज आपके लिए लाता हूं और एक से एक बेहतरीन प्रश्न रहते हैं जिसके जवाब आप बहुत अच्छे से देते भी हैं और देने की कोशिश भी बहुत लोग करते हैं। तो आज भी मैंने कुछ बेहतरीन प्रश्न लिए हैं और यकीन है मुझे कि आपको बेहद पसंद आएगा। तो अगर पसंद आएगा तो लाइक शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल पर पहली मरतबा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा विथ बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे, और फेसबुक पेज एएमयू क्लासेस आर्ट को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में पहले प्रश्न का जो पूछना है वो प्रश्न हमारा पूछ रहा है, सन 1991 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किए गए, 1991 में पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किए गए 1991 में वो कलाकार इनमें से कौन है? रणवीर सिंह बिष्ट, राम कुमार, सतीश गुजराल या MF हुसैन। तो पहला प्रश्न, भारत के कुछ समकालीन कलाकारों का आज एक और वीडियो आपके स्क्रीन पे है और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है जो यकीनन आपको आने वाली भर्ती और जो भर्ती आई है राजस्थान में उसके लिए काफ़ी हेल्प करेगा। तो पहले प्रश्न का कहना है कि पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किए गए भारत सरकार द्वारा 1991 में कौन थे वो? तो साथियों, पहले प्रश्न का जो सही जवाब हमारा होगा वो आपका हो जाएगा ए, रणबीर सिंह बिष्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। दूसरे प्रश्न का देखिए क्या कहना है। प्रश्न संख्या 2 हमारा पूछ रहा है, भूतकाल की विदाई, भूतकाल की विदाई किस कलाकार द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध चित्र है? चित्र का नाम है भूतकाल की विदाई। चित्रकार का नाम आपको बताना है, क्या उनका नाम MF हुसैन है, जे स्वामीनाथन, राम कुमार या सैयद हैदर रजा? तो किस कलाकार ने इन चारों में से एक चित्र बनाया प्रसिद्ध जिसका नाम है भूतकाल की विदाई? ठीक है, तो दूसरा प्रश्न है और आपको करना है सिर्फ प्यारा प्यारा प्रश्नों का उत्तर का कमेंट्स, उसके अलावा प्यारे वो कमेंट जिससे आपको लगता है कि हाँ आपके वीडियो अच्छे मिलते हैं, तो थोड़ा सा दो शब्द अच्छे हमारे लिए भी, मेरी मेहनत का एक प्यारा सा लाइक और फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करिएगा। तो दूसरा प्रश्न जिसका कहना है कि भूतकाल की विदाई प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार का है? तो साथियों, हमारे इस दूसरे प्रश्न का सही जवाब होगा सी, राम कुमार का। किसका है? राम कुमार का है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 की तरफ रुख करते हैं और तीसरा प्रश्न आपके सामने है। तीसरे प्रश्न का कहना है, देखिए क्या कहना है। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, तीसरा प्रश्न, किस कलाकार ने ग्लोरी ऑफ बिहार यानी बिहार की गौरव गाथा, उसका मतलब ये हुआ, ठीक है, क्वेश्चन में भी डाला है मैंने, ग्लोरी ऑफ बिहार यानी बिहार की गौरव गाथा, ठीक है, की प्रदर्शनी का संचालन किया, प्रदर्शनी का संचालन किया यानी बिहार की गौरव गाथा की प्रदर्शनी का संचालन करने वाले कलाकार इनमें से कौन हैं? राम कुमार हैं, रणवीर सिंह बिष्ट हैं, रामकिशोर यादव हैं या राधा मोहन? तो बेहतरीन समकालीन कलाकार के कुछ आपके सामने आज भी एक वीडियो पेश किया हूं जिसके प्रश्न संख्या 3 आपके सामने है और आपको सिर्फ मित्रों अपने प्रश्नों को ड्राप करना है कमेंट्स के माध्यम से उत्तर के द्वारा और आज की वीडियो टेस्ट करनी है। और जो लोग भी, कई लोग कमेंट्स करते हैं तो मैं उनको बता दूं कि RPSC में जिस बंदे ने
एमए ड्राइंग आर्ट यानी कला से किया है या एमएफए किया है, और बीएड नहीं है फिर भी भर सकता है, क्योंकि राजस्थान भर्ती बोर्ड परीक्षा में राजस्थान लेक्चरार के लिए पीजी ही होना सिर्फ अनिवार्य है और कला में भी पीजी ही होना अनिवार्य है, ठीक है। और एक महोदय ने कल फीमेल ने हमारे कमेंट्स किया था, उनका भी कमेंट्स ले लेते हैं। उन्होंने कहा था कि सर बॉम्बे आर्ट और प्राविधिक कला है तो होगा, नहीं हो सकता है, वहाँ बॉम्बे आर्ट की कोई वैल्यू नहीं है और ना ही प्राविधिक कला की, वहाँ पीजी में कला होना चाहिए तब जाके वो मानेगा, यानी वहाँ जो है पीजी कला से होना चाहिए। आपको मैं बता देता हूँ, पीजी कला होना चाहिए, याद रखिएगा। तो तीसरे प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो आपका हो जाएगा डी, राधा मोहन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या चार की तरफ चलते हैं, चौथे प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहा है हमारा प्रश्न संख्या चार। प्रश्न का कहना है, रणबीर सिंह बिष्ट द्वारा बनाया गया चित्र माउंटेन वन किस माध्यम में बना है, यानी रणबीर सिंह बिष्ट ने जो चित्र बनाया है उस चित्र का नाम है माउंटेन वन, उसको कौन से माध्यम में बनाया है, ठीक है। बड़ा ही सुंदर और सजा हुआ सवाल है आज के इस वीडियो में, और यकीनन मुझे यकीन है आपका कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आएगा। तो एक्रिलिक माध्यम में, वास तकनीक में, तेल रंग माध्यम में या फ्रेस्को तकनीक में, कौन सी माध्यम में रणबीर सिंह बिष्ट द्वारा बनाया गया चित्र माउंटेन वन बना है, चौथा प्रश्न का यही कहना है। और प्यारा प्यारा कमेंट्स चलिए डालते जाइए, और ऐसे ही कोई डाउट हो तो प्रश्न में पूछते रहिए कमेंट्स के, मैं आपका उत्तर आपको देता रहूँगा। तो चौथे प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो जाएगा सी, तेल रंग माध्यम यानी ऑयल रंग माध्यम में को बनाया माउंटेन वन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या पाँच की बात करेंगे। पाँचवा प्रश्न देखिएगा हमारा क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या पाँच का कहना है, किस समकालीन कलाकार को बद्रीनाथ और केदारनाथ आदि की यात्राओं ने ज़्यादा प्रभावित किया, ठीक है। बद्रीनाथ और केदारनाथ आपको पता ही है, लोग जाते हैं वहाँ पे, उनकी यात्राओं को ज़्यादा प्रभावित किया कौन से समकालीन कलाकार को, बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्राओं ने ज़्यादा प्रभावित किया, राम कुमार को, जे स्वामीनाथन को, बद्रीनाथ आर्य को या नंदलाल बोस को, ठीक है। ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा और ध्यान से उत्तर भी दीजिएगा, बहुत मजे हुए उत्तर विकल्प को मैंने रखा है। तो बद्रीनाथ और केदारनाथ दो धाम हैं जहाँ पे यात्री जाते हैं, आपको पता ही हमेशा से, उसके द्वार जो है खोले जाते हैं बद्रीनाथ या केदारनाथ के, आप चर्चा में हमेशा पढ़ते हैं। तो उन्हीं को, उन्हीं की यात्राओं से जो है वो कलाकार प्रभावित हुआ। और साथियों, हमारे उस कलाकार का नाम क्या है, यही हमारा प्रश्न है। तो मित्रों, हमारे उस कलाकार का नाम है राम कुमार। क्या नाम है? राम कुमार नाम है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या छः की तरफ। छः नंबर प्रश्न देखिए हमारा क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या छः कह रहा है, भक्ति चित्रों हेतु अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चित्रकार हैं, यानी भक्ति चित्रों हेतु अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चित्रकार के रूप में इनमें से कौन से चित्रकार हैं, भक्ति चित्रों हेतु, इन्वर्टेड कामा में है देखिएगा, भक्ति चित्र, ठीक है। विद्या रतन खजूरिया हैं, अफजल पठान हैं, रामकिशोर यादव हैं या डीजे जोशी, ठीक है। तो इनमें से वो कौन सा समकालीन कलाकार है जिसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है चित्रकारी में, भक्ति चित्रों में, ठीक है। कहना ये प्रश्न चाहता है, यही कह रहा है हमारा प्रश्न, और इसी प्रश्न के कहने के अनुसार आपको अपना कमेंट्स करना है, अपने वीडियो को, अपने उत्तर को, और बताना है कि क्या है इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है। और जब भी आप वीडियो देख रहे होंगे मित्रों,
तो अब आप देखते होंगे जहाँ लाइक बटन होता है, अनलाइक जहाँ होता है, डाउनलोड होता है, शेयर होता है, वहाँ पे एक और बटन खुल रहा होगा, देखिएगा वो बिल्कुल जो है कुछ अलग हट के उसमें बनाया होगा, वो सुपर थैंक्स के नाम से वो वीडियो लिंक वो है मार्क किया गया है, बिल्कुल ऐसे होगा, देखिएगा बन के ऐसे एस करके ऐसे बना होगा, ठीक है, सुपर थैंक्स। तो वो इसलिए बना है कि अगर हमारे साथी बहुत अच्छा आपको लगता है हमारा वीडियो, अगर बहुत प्यारा पसंद है, तो आप उस सुपर थैंक्स में हमें जो है ज़रूर वो कर सकते हैं, सुपर थैंक्स कर सकते हैं। वो भी आपके ऊपर यूट्यूब ने एक अपडेट दिया है अपने साथियों के लिए कि आप अपने यूट्यूबर को उस तरह का थैंक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लगता है तो आप भी जरूर करिएगा। तो हमारे छठे प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा आपका सी, राम किशोर यादव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या सातवां। सातवें प्रश्न का कहना है हमारे, किस समकालीन कलाकार ने विकास नामक चित्र श्रृंखला बनाई? चित्र श्रृंखला का नाम है विकास, किस समकालीन कलाकार के द्वारा बनाया गया, प्रश्न संख्या सात, विकास नामक चित्र श्रृंखला, रामकिशोर यादव के द्वारा, डॉक्टर कर्ण सिंह के द्वारा, मंजीत बाबा के द्वारा या आर बी भास्करन के द्वारा, ठीक है। तो प्रश्न संख्या सात का कहना है कि वह कौन सा इसमें से कलाकार है जिसने साथियों विकास नामक चित्र श्रृंखला बनाई? तो फटाफट अपने प्रश्नों को उत्तर दीजिए और TGT / PGT जो कि आपके राजस्थान का भी निकला है, जो RPSC कराती है, उसके अलावा आपकी UP बोर्ड में भी आएगा, उसके अलावा बाकी हर राज्य में भी कला की भर्तियां होती हैं, एलिजिबिलिटी जो भी रखा गया होता है, लेकिन सिलेबस कुछ नहीं होता है, सब यही होता है और कहीं कुछ और नया सिलेबस नहीं होगा। बस ये होगा, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिस राज्य में भी कला का जो है भर्ती आएगी तो उस राज्य के कलाकारों के बारे में ज़रूर कुछ जान लीजिएगा, क्योंकि उस राज्य में ऐसा नहीं है कि कोई कलाकार ना हो। जैसे कि मान लीजिए राजस्थान में आया है तो राजस्थान के कलाकारों के बारे में आपको रीता प्रताप ने भी दिया है और कुछ कलाकार जो रिसेंटली हैं वो भी हैं उसके बारे में भी, और मैं भी उसके बारे में आप लोग को वीडियो में पढ़ा भी दूंगा। इसी तरह से हर राज्यों में कुछ ना कुछ कलाकार हैं अपने आप में एक पहचान बना के, तो रिसेंट में वही चीज़ें जाननी है और बाकी सब सिलेबस में वही है। और इस सातवें प्रश्न का जो कहना है उसका सही जवाब होगा डी, RB भास्करन। कलाकार ने, किस कलाकार ने विकास नामक चित्र श्रृंखला बनाई? RB भास्करन ने, ठीक है। अब हम आठवें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या आठ, देखिएगा क्या कह रहा है। आठवें प्रश्न का कहना है, किस कलाकार के चित्रों का प्रमुख विषय शहरी चित्रण रहा? प्रमुख विषय शहरी चित्रण रहा चित्रों का किस कलाकार के? रंदा उकील का, सुरेंद्र कुमार का, रामकिशोर यादव का या समीर मंडल का, ठीक है। तो एक और बेहतरीन प्रश्न, सभी प्रश्नों को देखते हुए आठवें प्रश्न भी आप हैं और हर प्रश्न एक अच्छा प्रश्न है आज आपके इस वीडियो का, और यकीनन आपको बेहद पसंद आएगा। तो मैंने बताया है कि एक सुपर चैट है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरा वीडियो। तो आठवां प्रश्न कह रहा है कि चित्रों के प्रमुख विषय शहरी चित्रण रहा जिस कलाकार का, उस कलाकार का नाम क्या है हमारा है? तो उनका नाम है मित्रों सुरेंद्र कुमार, यानी सुरेंद्र कुमार भारद्वाज पूरा नाम है उनका, यहाँ से सुरेंद्र कुमार टाइप किया गया है लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ सुरेंद्र कुमार भारद्वाज पूरा नाम है उनका, ठीक है, तो भी राइट आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या नौ की तरफ, रुख करते हैं। नौ नंबर प्रश्न का देखिएगा क्या कहना है। नौ नंबर प्रश्न कह रहा है, एक दार्शनिक चित्रकार के रूप में जाने जाने वाले समकालीन कलाकार हैं, एक दार्शनिक चित्रकार के रूप में जाने जाने वाले समकालीन कलाकार कौन है इसमें से? SG श्रीखंडे,
विद्या रतन खजूरिया, आरवी भास्करन या गणेश पाइन। ठीक है, दार्शनिक चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं वो, एक समकालीन कलाकार हैं जो दार्शनिक चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। और इनमें से वो कौन हैं, ये हमारा 9 नंबर प्रश्न का पूछना है। प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे हैं और आज देखिएगा कितने टोटल आपके प्रश्न आज सही जाते हैं इस वीडियो में। ठीक है, और धमाकेदार प्रश्न हैं तो लोगों को शेयर जरूर करिएगा और लोग जो जानते हैं उनको जोड़िए, क्योंकि आपके हेल्प से और भी बच्चे जुड़ेंगे और उसका लाभ लेंगे। ठीक है, तो 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब जो हमारा होगा मित्रों, वो हो जाएगा आपका सी, आरबी भास्करन। दार्शनिक चित्रकार के रूप में किसे जानते हैं, आरबी भास्करन को। 10 नंबर प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 10, देखिए क्या कह रहा है। 10वें प्रश्न का कहना है, चित्रकार के पिता किस कलाकार के द्वारा बनाया गया चित्र है, यानी चित्र का नाम ही है चित्रकार के पिता। ठीक है, क्या वो गणेश पाइन ने बनाया है, क्या अब्दुल रहमान जुगताई साहब ने इसको बनाया है, राम कुमार जी ने बनाया है या राधा मोहन जी ने बनाया है। ठीक है, तो चित्रकार के पिता ये चित्र का नाम है और आपको बताना है कलाकार का नाम, जिस कलाकार ने इस चित्र को बनाया है। कई लोग का कमेंट था कि सर आपने जो समकालीन कलाकारों का वीडियो बनाया है जिसके बारे में बहुत सभी लोग जानते ही नहीं हैं, तो उनके बारे में कुछ ना कुछ बायोग्राफी दीजिएगा। तो बिल्कुल दूंगा, उनके बारे में भी आपको बायोग्राफी दूंगा और थोड़ा सा उसका वेट करना पड़ेगा आपको। आपके सभी कमेंट्स को मैं देखता हूँ और आपको जरूर दूंगा। ठीक है साथियों, तो लगे रहिए आप हमारे प्रश्नों में तैयारी के साथ, टाइम से देखिए, पूरा वीडियो देखा करिए, फुल वीडियो देखेंगे तभी जाके आपको समझ आएगा। रिलैक्स होकर देखिए, घबराना नहीं है, घबराने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अब आप रेगुलर अपडेट हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता आपका सीट लेने से, मैं कहता हूँ, अगर आप डेली पढ़ रहे हैं ध्यानपूर्वक। तो 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा डी, राधा मोहन। ठीक है, चित्रकार के पिता किस कलाकार द्वारा बनाया गया चित्र, राधा मोहन के द्वारा बनाया गया चित्र है। और अब हम बढ़ेंगे 11 नंबर प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 11 की तरफ हैं हम। 11 नंबर प्रश्न का क्या कहना है देखिएगा, 11 नंबर प्रश्न कह रहा है, राम कुमार चित्रकार के साथ साथ एक थे, यानी चित्रकार राम कुमार चित्रकार तो थे ही, उसके साथ एक और क्या थे, कहानीकार थे, मूर्तिकार थे, कला समीक्षक थे या तीनों ही थे। ठीक है, तो राम कुमार के बारे में इसमें अभी आपने कई प्रश्न उनके बारे में, एक दो प्रश्न पढ़ा भी है अभी पीछे वीडियो में। तो राम कुमार साहब एक चित्रकार के तो थे ही, चित्रकार के साथ साथ और इस विकल्प के अनुसार क्या थे वो, क्या वो एक कहानीकार भी थे, एक मूर्तिकार भी थे, कला समीक्षक भी थे या तीनों ही चीज़ें उनके अंदर विद्यमान थी। ठीक है, 11वें प्रश्न का यही पूछना है साथियों हमारे। और हमारा फेसबुक पे जरूर फॉलो करिएगा, आपसे हमेशा रिक्वेस्ट रहती है कि हमारे साथी हमारा सपोर्ट करते हैं, मुझे विश्वास रहता है हमेशा, मैं कभी भी जब अपने दोस्तों के बीच में रहता हूँ तो मैं हमेशा अपने सब्सक्राइबरों का, कई लोग बहुत लोगों की जो है तारीफ सब्सक्राइबरों का अपने करता हूँ, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर को मैं बताता हूँ कि कैसे हैं हमारे बच्चे जो पढ़ते हैं। तो ज़रूर आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिएगा साथियों, AMU क्लासेस आर्ट। ठीक है, लोगो सेम है हर चीज़। तो हमारे 11वें प्रश्न का सही जवाब जो है वो है ए, कहानीकार। वो कहते हैं ना कि जब स्टूडेंट अच्छे होते हैं तो पढ़ाने का मज़ा भी बहुत अच्छा होता है, और यकीनन आप जितने लोग जुड़े हैं काफ़ी दिल के अच्छे हैं, मेल और फीमेल, और बहुत अच्छे तरीके से आपने हमारा साथ दिया है, इसलिए हम आपको हमेशा धन्यवाद करेंगे कि आप हमारा सपोर्ट बनाए रहें और हमारे साथ आप जुड़े रहें। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया कहानीकार थे राम कुमार चित्रकार के साथ साथ। अब हम 12वें प्रश्न की तरफ चले गए और प्रश्न संख्या 12 को देखेंगे क्या कह रहा है। 12 नंबर प्रश्न का कहना है, किस कलाकार की एकल प्रदर्शनी का उद्घाटन मुल्कराज आनंद ने किया था। मुल्कराज आनंद आपको पता ही है कौन थे, उद्घाटन किया
एकल प्रदर्शनी का एक कलाकार के। क्या उस कलाकार का नाम सुधीर रंजन खस्तगीर है? क्या उस कलाकार का नाम सैयद हैदर रजा है? क्या उस कलाकार का नाम अर्पिता सिंह है? या उस कलाकार का नाम अंजलि इला मेनन है? ठीक है, शानदार प्रश्न होगा और शानदार ही मिलेगा आपको हर चीज़ें। यकीनन आपको बेहतरीन प्रश्नों की सीरीज, और इतनी सीरीज मैंने डाली है अपने वीडियो में प्लेलिस्ट के, कि आप अगर अच्छे से देख के चले जाएं, पढ़ के चले जाएं, तो हर जगह से तोड़ मरोड़ के मैंने अपने प्रश्नों को दिया है। यूँ समझ लीजिए कि सिलेबस के बाद भी मैंने ऐसे रिसेंट रिसेंट प्रश्न कला के दिए हैं जो आपके एग्ज़ाम में अगर आ जाता है कहीं ना कहीं से, तो आपको महसूस नहीं होगा कि मैंने तैयारी नहीं की थी। तो वो कौन सा कलाकार इसमें से जिसकी एकल प्रदर्शनी का उद्घाटन मुल्कराज आनंद जी के द्वारा किया गया, यह है हमारा 12 नंबर प्रश्न। और मुझे उम्मीद है कि कमेंट्स मुझसे पहले आ रहे होंगे उत्तर के, और इसका सही जवाब है मित्रों बी, सैयद हैदर रजा। सैयद हैदर रजा के एकल प्रदर्शनी का उद्घाटन मुल्कराज आनंद जी ने किया था। अब हम 13 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 13 देखिएगा, 13 नंबर प्रश्न का क्या कहना है। प्रश्न कह रहा है सैलून द माई किस कलाकार द्वारा बनाया गया चित्र है, यानी चित्र का नाम है सैलून द माई। किसने बनाया इसको? राम कुमार ने, गणेश पाइन ने, सैयद हैदर रजा ने, या सैलोज मुखर्जी ने किसने बनाया? ठीक है, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न का कहना है एक चित्र है जिसका नाम है सैलून द माई, चित्रकार का नाम आपसे पूछा जा रहा है, किसने बनाया? तो चलिए साथियों, कमेंट्स प्यारे से प्यारे करते जाइए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। फेसबुक चलाते होंगे तो फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप पे, व्हाट्सएप पे अपने साथियों को जोड़िए जो नए आ रहे हैं तैयारी के लिए, चाहे किसी भी राज्य से, खासकर जो है राजस्थान से जो लोग जुड़े हुए हैं वो राजस्थान में ज़रूर शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वहाँ के बच्चे तैयारी में हैं तो उनको भी हेल्प मिले। इसलिए हम्बल रिक्वेस्ट है, विशाल जी हैं राजस्थान के, और कोई बहुत लोग होंगे राजस्थान के उसके अलावा, तो हम उन लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने क्षेत्र में ज़रूर हमारे वीडियो को शेयर करें। तो 13 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आपका हो जाएगा डी, सैलोज मुखर्जी। सैलून द माई किस कलाकार द्वारा बनाया गया चित्र है? सैलोज मुखर्जी के द्वारा। ठीक है, अब हम 14 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न संख्या 14 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न का कहना है साथियों, लद्दाखी महिला किस कलाकार द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध चित्र है? चित्रकार क्या नाम है? लद्दाखी महिला, और ये एक प्रसिद्ध चित्र है, चित्रकार का नाम बताना है आपको। सरोज गोगीपाल, ये कई जगह देखिएगा गोगी सरोजपाल भी लिखा होता है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। सरोज गोगीपाल, बिहारी लाल सक्सेना, एस जी ठाकुर सिंह, या सैलोज मुखर्जी। प्रश्न संख्या 14, प्रश्न का पूछना है लद्दाखी महिला। लद्दाख आपको पता ही है कहाँ है, वो भी भारत का एक हिस्सा है और बहुत ही खूबसूरत जगह है लद्दाख। वहीं पे जो है बहुत बड़ा झंडा इस बार का जो है बनाया फहराया गया था लद्दाख में। तो लद्दाखी महिला जो है वो चित्र का नाम है, और जिस चित्रकार ने बनाया उस चित्रकार का नाम आपको कमेंट्स बॉक्स में ड्रॉप करना है अपने उत्तर के साथ, टेस्ट करते हुए कि क्या है आज की हमारी इस टेस्ट में पोजीशन। ठीक है, तो 14 नंबर प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा मित्रों श्री एस जी ठाकुर सिंह। 14 का होगा सी, एस जी ठाकुर सिंह ने बनाया है लद्दाखी महिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 15 का कहना है, सरोज गोगीपाल विशेषकर किन माध्यमों में कार्य किया, यानी गोगी सरोजपाल ने विशेषकर किन माध्यमों में कार्य किया, यानी उनका माध्यम कार्य करना का क्या था। ठीक है, गाउच में, तेल में, सेरेमिक में, या तीनों माध्यमों में। आज का जो प्रश्न है ना मित्रों, जो मैंने लिया है बिल्कुल आधुनिक कलाकारों उनके कार्य से संबंधित, जो वीडियो एक और है कल नहीं परसों वर्षों करीब मैंने दिया था, बिल्कुल उसी तरह का आज का एक वीडियो है। मैंने आपसे पहले भी बताया है
कि जब जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर कुछ ना इस तरह के प्रश्न आपके लिए तैयार करके बीच बीच में देता रहूँगा। आप बस बने रहिए और लोगों को जोड़िए, और आपको वो चीज़ें मैं दूंगा कला से कि आपने जो है सोचा भी नहीं होगा कि इतने अच्छे अच्छे प्रश्न भी जो है सर के पास हैं। लेकिन आपको उसके लिए वीडियो देखना पड़ेगा, पूरा फुल देखना पड़ेगा, तभी तो आप वहाँ तक जाएंगे। अगर आपको लगता है कि चार वीडियो चार प्रश्न देखने के बाद और चार प्रश्न इधर देख लिया उधर देख लिया, मतलब इस तरह से करने से अगर आपको लगता है कि कूद कूद से हमारी शिक्षा जो है कंप्लीट हो जाएगी, तो आप गलत फहमी में जी रहे हैं। आपको एक लाइन एक लय पकड़ना पड़ेगा, तभी जाके आप, क्योंकि जब कई जगह आप जाएंगे तो आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे आपके अंदर, और आपका कन्फ्यूजन ही आपके पेपर को जो है ले डूबेगा। इसलिए बी कॉन्फिडेंस एक तरफ से बने रहिए और किताबों को स्टडी करते रहिए सेल्फ, ठीक है। तो 15 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा हमारा, वो हो जाएगा तीनों माध्यमों में। सरोज गोगीपाल विशेषकर किन माध्यमों में है, गाउच भी है, तेल है और सिरेमिक, तीनों माध्यमों में, ठीक है, कार्य किया गया उनके द्वारा। 16 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न संख्या 16 नंबर प्रश्न का क्या कहना है, देखिए कह रहा है प्रश्न, इनमें से कौन सा समकालीन कलाकार ग, ध्यान से देखिएगा, ग इन्वर्टेड किया है, श्रृंखला के चित्र बनाने में व्यस्त हैं। यानी एक समकालीन कलाकार हैं जिन्होंने गौ श्रृंखला नामक चित्र बनाने में व्यस्त हैं, यानी बन रहा है उनका यह चित्र श्रृंखला, जिस चित्र श्रृंखला का नाम है गौ, ठीक है। और इस समय वो हमारे कलाकार हैं, काफ़ी वो जो है मशहूर कलाकार वो भी हैं, और कला क्षेत्र से रिटायर भी हो चुके हैं एक पद से, और इस समय गौ श्रृंखला नामक चित्र बनाने में व्यस्त हैं वो कलाकार। उनका नाम क्या है पूछ रहा है मित्रों, क्या उनका नाम बिहारी लाल सक्सेना है, क्या उनका नाम एस जी ठाकुर सिंह है, क्या उनका नाम रामकिशोर यादव है या समीर मंडल है। तो समकालीन कलाकारों के नाम है ये सभी लिस्ट में, आपको पता ही है। और इसी में से एक कलाकार है जो कला विभाग से एक जगह से रिटायर हो चुके हैं, और रिटायरमेंट के बाद वो इस समय अपनी एक चित्र श्रृंखला बनाने में व्यस्त है, जिस चित्र श्रृंखला का नाम सिर्फ गौ है, देखिए इन्वर्टेड कामा में गौ, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और बहुत ही बेहतरीन धमाकेदार है हर प्रश्न इस वीडियो का, और यकीनन आपको सुपर लगेगा। तो सुपर थैंक्स से एक बार हमको स्वागत जरूर करिएगा अगर आपको ऐसा लगता है तो। और इस प्रश्न का सही जवाब होगा बिहारी लाल सक्सेना, चूंकि इनका थोड़ा सा एक और नाम जोड़ के है बड़ा, इसलिए मैंने इतना ही लिया है, बिहारी लाल सक्सेना, ठीक है। इस समय वो शिक्षा विभाग से रिटायर हैं और अपने गौ श्रृंखला बनाने के चर्चा में व्यस्त है इस समय, वो श्रृंखला जो बना रहे हैं उसका नाम है गौ, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 17 देखिए हमारा क्या पूछ रहा है साथियों हमारे। 17 नंबर प्रश्न का कहना है, किस कलाकार द्वारा निर्मित बिना शीर्षक के तैल चित्र एक अपना अलग विशेष स्थान रखते हैं। पहले ध्यान से समझिएगा प्रश्न क्या है, किस कलाकार द्वारा निर्मित जो चीज़ है उसका नाम है बिना शीर्षक, इन्वर्टेड कॉमा में, ध्यान से देखिएगा, यही वो निर्मित चीज़ है जिसका नाम है बिना शीर्षक, किस में बना है, तेल में, ये चित्र किस में बना है, तेल में, एक अपना अलग विशेष स्थान रखते हैं, किस कलाकार द्वारा। समझ में आ गया आपका प्रश्न, यानी कलाकार ने एक अपना तेल में बनाया हुआ एक चीज़ है, जिस एक तेल में बनाया हुआ एक चित्र है, सॉरी चीज़ कह रहे हैं, एक इस कलाकार द्वारा तेल माध्यम में बनाया हुआ एक चित्र है जिसका नाम है बिना शीर्षक, चित्र का नाम ही है बिना शीर्षक, और पूछ रहा है अपना एक अलग स्थान रखते हैं वो कलाकार इसको बनाने में, उस कलाकार का नाम क्या है ये पूछ रहा है, ठीक है। अब प्रश्न समझ गए होंगे आप, यकीनन मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे। और बिहारी लाल सक्सेना इसका पहला ऑप्शन है, दूसरा है शांति दवे, शैल चोयल या विकास भट्टाचार्य, ठीक है। तो समझ में आ गया, तो मित्रों हमारे 17वें प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा आपका बी शांति दवे, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की तरफ, 18 नंबर प्रश्न देखिए हमारा क्या कह रहा है, 18वें प्रश्न का कहना है, उन्नति तथा मृत्यु किस कलाकार के चित्रों के विषय होते थे। उन्नत तथा मृत्यु ये चित्रों के विषय रहे इनमें से किस कलाकार के, ठीक है।
किस कलाकार के चित्रों के विषय थे उन्नत और मृत्यु, यानी उनका थीम ही था कलाकारी में चित्रों में उन्नत तथा मृत्यु। क्या उनका नाम रामकिशोर यादव है जिनका ये विषय रहा, क्या उनका नाम अफजल पठान है जिनका वो विषय रहा, क्या उनका नाम आरबी भास्करन है जिनका ये विषय रहा, या डीजे जोशी है उनका नाम। ठीक है, ये प्रश्न संख्या 18 है और आपको प्रश्न संख्या 18 में सिर्फ इतना ही जानना है कि उस कलाकार ने अपने चित्रों का जो थीम बनाया वो बनाया उन्नत तथा मृत्यु। आपको सिर्फ पुटअप करना है, ड्रॉप करना है, आपको कमेंट्स करना है अपने आंसरों को रोजाना की तरह, और आपको अपने टेस्ट को टेस्ट करना है रोजाना की तरह कि कितना सही जाते हैं आप आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो 18 नंबर प्रश्न साथियों मेरे, और इसका सही जवाब जो हमारा होगा यानी 18 का सही जवाब होगा आर बी भास्करन। क्या विषय था उनके चित्रों का? उन्नत और मृत्यु, आर बी भास्करन। 19 नंबर प्रश्न, और इसके बाद जो प्रश्न मैं पूछूंगा वो आपका प्रश्न है, आपके लिए प्रश्न है, इसलिए वो आपका प्रश्न है, आप उसको जवाब देंगे। ठीक है, वो आपके लिए रखा गया है, उस प्रश्न का जवाब हमारे साथी देंगे। और कल जो आपने प्रश्न हमने किया था उस प्रश्न का जवाब था ए, यानी ए राइट आंसर था उस प्रश्न का, जो कल हमने प्रश्न पूछा था आपसे उसका राइट आंसर था ए। ठीक है, और आज हम अपना का प्रश्न पूछेंगे, लेकिन पहले हम 19 प्रश्न को देख लेते हैं। क्या कह रहा है 19 नंबर? कह रहा है किस कलाकार द्वारा बनाया गया राधा कृष्ण नामक चित्र कला जगत की अनमोल धरोहर। ध्यान से देखिएगा, राधा कृष्ण नामक चित्र कला जगत की अनमोल धरोहर है, किस कलाकार द्वारा बनाया गया? अब समझ गए आप, यानी किस कलाकार द्वारा बनाया गया चित्र राधा कृष्ण कला जगत की अनमोल धरोहर है? पीएन चोयल के द्वारा, समरेंद्रनाथ गुप्त के द्वारा, सुरेंद्रनाथ कर के द्वारा, या सैल चोयल के द्वारा? यह है आपका इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, और इसके बाद प्रश्न संख्या 20 आपका सवाल है, लेकिन पहले आप इसको फेस करिए कि किस कलाकार द्वारा बनाया गया राधा कृष्ण नामक चित्र कला जगत की अनमोल धरोहर है। ऑप्शन में है पीएन चोयल, समरेंद्रनाथ गुप्त, सुरेंद्रनाथ कर या सैल चोयल। ठीक है, आखिरी प्रश्न जो मैं आपको बताऊंगा, इसके बाद आपका सवाल है। साथियों, मुझे यकीन है कि आज का वीडियो आपको बेहद पसंद आएगा और हमें प्यारा कमेंट्स, प्यारा लाइक जरूर देंगे। तो इस प्रश्न का यानी 19 नंबर का सही जवाब है सैल चोयल। कौन है? सैल चोयल हैं जो राधा कृष्ण नामक चित्र कला जगत के अनमोल धरोहर के रूप में बनाया। ठीक है, अब आपका सवाल आपके स्क्रीन पे आ रहा है, आपका सवाल आपके सामने है। ठीक है, प्रश्न संख्या 20, सवाल है आपका, और प्रश्न पूछ रहा है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जिनका नाम था डॉक्टर कृष्ण सिन्हा का व्यक्ति चित्र किसने बनाया था? आपका सवाल आपके स्क्रीन पे है साथियों। बिहार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं डॉक्टर कृष्ण कुमार सिन्हा, उनका व्यक्ति चित्र किसने बनाया था? नंदलाल बोस ने बनाया था, सतीश गुजराल ने बनाया था, अंबादास ने बनाया था, या राधा मोहन ने बनाया था? तो ये है आपका आखिरी प्रश्न जो आपसे पूछा गया है आज के सवाल में, और इस सवाल का जवाब हमारे साथी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ज़रूर देंगे, पूरी उम्मीद है, और अच्छा देंगे ये भी उम्मीद है। और लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, फेसबुक पेज फॉलो कर लीजिएगा। तो सवाल बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे डॉक्टर कृष्ण सिन्हा, उनका व्यक्ति चित्र किस कलाकार द्वारा बनाया गया? इस सवाल का जवाब दीजिए और अपने आज के इस वीडियो को टोटल कितना सही हुआ कंप्लीट करिए और कमेंट्स करिए। तो आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन प्रश्न और एक बेहतरीन सवाल के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार मित्रों, गुड नाइट साथियों।